इंदौर जिले सहित जिले भर में होलिका दहन का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कई जगहों पर होलिका दहन करके लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। नगर में दो दिन मंगलवार व बुधवार को यह पर्व मनाया गया। वहीं इंदौर में सबसे पहले सरकारी होली राजबाड़ा के सामने जली और यह 295 साल से चली आ रही परंपरा है, जिसका निर्वहन भी इस वर्ष किया गया। फाल्गुनी पूर्णिमा पर भद्रायापनी प्रदोष काल में सोमवार को इंदौर में सबसे पहले राजबाड़ा पर सरकारी होली का दहन किया गया। वहीं इंदौर के साथ बेटमा में भी कुछ स्थानों पर मंगलवार रात भी होली का दहन हुआ और इसके साथ ही होली पर्व का उत्साह शुरू हो गया। होलिका दहन के पूर्व महिलाओं ने होलिका की पूजन कर परिवार के सुख शांति व आरोग्य की कामना की। बुधवार को सुबह से ही इंदौर में धुड़ेली पर्व पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया। होली का सबसे ज्यादा आनंद बच्चों ने लिया और बच्चों ने जमकर मनाई होली। उन्होंने दूसरे को खूब रंग गुलाल लगाया। वहीं इंदौर अपने विकास के साथ साथ परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। शहर में होली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ की होली देखने के लिए आते हैं। होलिका दहन को जहाँ नई पीढ़ी ने मोबाइल के कैमरे में कैद किया, तो वहीं पुरानी पीढ़ी ने होली की अग्नि पर गेहूं की बालियां सेंकी और होलिका की परिक्रमा लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। बेटमा से यूडी न्यूज के लिए राजेंद्र सूरवंशी की रिपोर्ट।